अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक का हिजाब केस सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास गया है। आज सुनवाई के दौरान हिजाब केस पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज की अलग अलग राय निकली और इस मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिका रद्द कर दी, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रखा है। इस पर अब अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा मामला गया हुआ है। दो जजों की जो टिप्पणी थी उसमें जो भिन्नता दिखाई दी, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि बड़ी बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। आज की सुनवाई के दौरान हिजाब केस पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही जज के अलग अलग राय निकल करके सामने आए और इस मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिका ही रद्द कर दी, जबकि दूसरे जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला था उस पर उसको जारी रखा। इस पर अब अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल करा है, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने तीन चॉइसेस के ऊपर, तीन पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन इम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट पर कोर्ट का, उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी। और संभल से बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान एक बार फिर से सामने आया है। हिजाब मामले पर बोले शफीकुर रहमान बर्क, बेपर्दा होकर घूमेंगी लड़कियां तो बढ़ेगी आवारगी। ये देखिए बड़ी बात और ये विवादित बोल शफीकुर रहमान बर्क के, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। हिजाब पहनना मजहबी और इस्लामिक मामला के ये कह रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क, इससे हालात बिगड़ेंगे। शफीकुर रहमान बर्क के ये बिगड़े बोल, ये बड़ी खबर, वो ये कह रहे हैं हिजाब मामले पर। उन्होंने कहा कि बेपर्दा होकर के अगर लड़कियां घूमेंगी तो इससे आवारगी बढ़ेगी, ये मानसिकता को दर्शाता है जो बातें उन्होंने कही हैं। हिजाब पहनना मजहबी और इस्लामिक मामला के ये उन्होंने कहा और इससे हालात बिगड़ेंगे। शफीकुर रहमान बर्क अक्सर अपने विवादित बोल के जरिए सुर्खियों में रहते हैं, हर मामले पर इनकी तरफ से जो बोल बोले जाते हैं वो सुर्खियों में आ जाते हैं। हिजाब मामले पर एक बार फिर से विवादित बोल बोला गया शफीकुर रहमान बर्क। ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियाँ और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो पापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाजारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं आवारगी बढ़ती है इससे, और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी नुकसान, न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।